नुपुर शर्मा से मुजरा करवाऊंगा, कहने वाले सतपाल तनवर गिरफ्तार, जुबान काटने पर रखा था 1 करोड़ का इनाम। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही आप तक पहुंचता रहे। भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तनवर को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। स्पेशल सेल ने गुरुवार को उसे उसके गुरुग्राम के घर से पकड़ा है। दरअसल सतपाल तनवर ने नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। साथ ही सतपाल ने नुपुर शर्मा को लेकर भद्दी टिप्पणी भी की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सतपाल पर आईपीसी की धारा 506, 509 और 153 ए के तहत केस दर्ज है। मीडिया से बात करते हुए स्पेशल सेल की साइबर यूनिट के एक अधिकारी ने बताया कि हमने उसके उस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिसमें उसने जानलेवा धमकी दी और नफरत फैलाने का प्रयास किया। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की है जब सतपाल तनवर के खिलाफ गुरुग्राम में भी केस दर्ज किया गया है। इस मामले में भाजपा विंग के गुरुग्राम के प्रमुख सर्वप्रिय त्यागी ने शिकायत दर्ज करवाई है। गुरुग्राम पुलिस ने सतपाल के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ाने, उकसाने, जानबूझकर अपमान करने और आपराधिक धमकी देने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार सतपाल तनवर के खिलाफ कानपुर जिले में भी परिवाद दाखिल हुआ है। इस मामले में 24 जून को अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है। इस केस में वादी एडवोकेट हर्ष कुमार हैं। इसी परिवाद के आधार पर सतपाल पर कानपुर कोतवाली में भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। हर्ष ने अपनी शिकायत में बताया कि सतपाल ने न सिर्फ नुपुर शर्मा को बेहद अपमानजनक शब्द कहे थे, इसके साथ ही सतपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बदजुबानी की है। सतपाल ने कुछ दिनों पहले नुपुर शर्मा की जुबान काटने पर 1 करोड़ के इनाम का ऐलान करते हुए कहा था कि भाजपा की नुपुर शर्मा ने नबी की ईशनिंदा की है। उसने पूरी दुनिया में देश का और पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। वह माफी के लायक नहीं है, फांसी के लायक है। सतपाल ने कहा था कि यदि इस देश की सरकार या यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो उसे मुझे सौंप दें, मैं उसे सबके सामने मुजरा करवाऊंगा और उसे मनमाफिक सजा दूंगा। तो दोस्तों बताइए आपका क्या कहना है सतपाल तनवर के बारे में। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।